हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं वह है 19वीं और 20वीं शताब्दी का भारत में जो सामाजिक और धार्मिक जो पुनर्जागरण हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, वह चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग जो रामकृष्ण मिशन का बारे में चर्चा कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस इनका कहना था, ये जो था पारंपरिक विधि पर विश्वास करते थे, भगवान को पाने का जो पारंपरिक विधि है, ध्यान है, भक्ति है, ये सब पर ये भजन है, ये सबसे जो है भगवान को ये प्राप्त करना चाहते थे और सत्य सभी धर्म में है, ये इनका मानना था। और रामकृष्ण परमहंस का, और इसके लिए जो है ईसाई दरवेश के भी साथ रहे, मुस्लिम दरवेश के साथ भी रहे रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें विवेकानंद कहा गया। तो विवेकानंद का एक धर्म बहन थी, विवेकानंद की एक धर्म बहन थी, उसका नाम था सिस्टर निवेदिता। मार्गरेट नोवेल जिसका नाम, जिसको सिस्टर निवेदिता कहा गया, इनकी धर्म बहन थी मार्गरेट नोवेल, जिसको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है, विवेकानंद की धर्म बहन थी। विवेकानंद ने एक वेदांत फिलोसफी नामक किताब लिखा था, वेदांत फिलोसफी नामक किताब लिखा था, और विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। विवेकानंद को क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। विवेकानंद बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें एक उनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट यह है कि अगर कोई काम आपको करवाना है तो 500 पुरुष से बेहतर है कि 50 महिलाएं आप चुन लीजिए। यह विवेकानंद का कहना, विवेकानंद का कहना है कि 500 पुरुष से अच्छा काम 50 महिलाएं कर सकती है। विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे, बहुदेववाद के भी समर्थक थे। ये सब चर्चा भी कल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा था कि मोक्ष जो है आदमी को, चाहे मुक्ति का मार्ग जो है मानव सेवा में है। विवेकानंद का कहना था कि मोक्ष या मुक्ति का मार्ग जो है वह मानव सेवा में है। और शिक्षित भारतीयों को इन्होंने देशद्रोही माना, भारतीय लोगों के गरीबी और अज्ञानता के लिए। ये सब विवेकानंद के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। आज हम लोग आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट समाज है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई और 1824 में का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? 1824 में गुजरात में हुआ था, मोरबी में, और मृत्यु हुई थी अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर, राजस्थान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज का स्थापना किया था और इसका मुख्यालय कहाँ था? बंबई। और कब स्थापना किया था? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया बंबई में, लेकिन शीघ्र ही इसका मुख्यालय लाहौर चला गया 1877 में। 1877 में बंबई से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारा पुस्तक लिखा, उसमें हिंदी में लिखे थे सत्याग प्रकाश। हिंदी में कौन सा किताब लिखे थे? सत्याग प्रकाश। वेद भाष भूमिका, उसके बाद लिखे थे ऋग्वेद भाष, पंच महायज्ञ,
अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, बल्वाचार्य के मत के खंडन, बल्वाचार्य के मत का खंडन। और एक किताब था गौ करुणा निधि, गौ करुणा निधि और पाखंड खंड, पाखंड खंडनी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा, वेद भाष भूमिका लिखा, ऋग्वेद भाष लिखा, पंच महायज्ञ लिखा, अद्वैत मत का खंडन लिखा, बल्वाचार्य के मत का खंडन किया, गौ करुणा सॉरी बल्वाचार्य के मत का खंडन नामक किताब लिखा, अद्वैत मत का खंडन नामक पुस्तक लिखा, गौ करुणा निधि नामक पुस्तक लिखा और पाखंड खंडनी नामक पुस्तक लिखा। ये सारा किताब कौन लिखे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। जब ये 24 साल के थे तो इन्होंने संन्यास ले लिया और इनको स्वामी का उपाधि कौन दिया था? दंड स्वामी पूर्णानंद, दंड स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें स्वामी का उपाधि दिया था। 24 साल की अवस्था में ये संन्यास ले लिए थे और स्वामी का उपाधि जो है, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर को स्वामी का उपाधि किसने दिया? तो दंड स्वामी पूर्णानंद ने दिया। जब ये 24 साल के थे तो ये सन्यासी भी बन गए थे। ईस्वी में इन्होंने मथुरा में स्वामी बिरजानंद से वेदों की शिक्षा ली, वेद की शिक्षा ली और आगरा में ही इन्होंने, आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया, पाखंड खंडनी पताका फहराया। ये वेद के, वेद को जो है ईश्वर प्रीत मानते थे, वेद को क्या मानते थे? ईश्वर की रचना मानते थे और कहते थे कि वेद जो है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, अनुलंघनीय है। वेद क्या है? अनुलंघनीय है, त्रुटिहीन है। ये बात कौन बोलते थे? स्वामी विवेकानंद। अब वेद का वो जो व्याख्या करते थे, इससे ये हुआ कि वेद में एक रूढ़िवादी धारणा आ गई, वेद के प्रति एक रूढ़िवादी धारणा आ गई। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष हुआ कि वेद ईश्वरकृत है तो इसकी बुद्धिवादी मीमांसा की गई और वेद को अनुलंघनीय माना गया, वेद को त्रुटिहीन माना गया। इनका कहना था कि जो पुराण है, ये ब्राह्मण लोग जो हैं इसमें झूठी झूठी कहानी बताकर हिंदू समाज को ठग रहे हैं, धर्म को ठग रहे हैं। और इन्होंने ईश्वर की पूजा, मूर्ति पूजा या पुरोहितवाद, जाति पाति, ये सबको जो है काफी नेग्लेक्ट करते थे। और कहीं ना कहीं ये इस मायने में ये ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के नजदीक आ जाते थे। आज समाज इस मामलों में जो पुरोहितवाद का विरोध हुआ, जाति पाति का विरोध हुआ, इस सब के कारण जो है ये आज समाज और ब्रह्म समाज और प्रार्थना के समाज के नजदीक आ जाता था। ये बहुत लोगों से मिले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसमें थे आपको जस्टिस नलाडे से भी मिले थे, केशव चंद सेन से मिले थे, विद्यासागर विद्यासागर से मिले थे, ईश्वरचंद विद्यासागर से मिले थे, गोपाल हरि देशमुख से मिले थे। इन सारे लोगों से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती मिले थे। तो इनका जो है प्रभाव सारे लोगों पर था और सारे लोगों का विचार लगभग एक ही था कि भाई जाति पाति का विरोध करो, ये ब्राह्मण का जो हिंदू धर्म पर वर्चस्व स्थापित हो गया, पुराण का पुराण को यह स्थापित करते हैं जबकि वेद मान्य है। तो ये सब कहीं कहीं ना कहीं ये जो है बहुत उस समय के तत्कालीन जो धर्म थे, सुधार आंदोलन थे, उसके बहुत नजदीक ठहरते थे। इन्होंने वेदों को रॉक ऑफ द एडिक्ट्स कहा, वेद को क्या कहा? रॉक ऑफ द एडिक्ट्स। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, इन्होंने क्या नारा दिया? वेद की ओर लौटो।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को रॉक ऑफ द एजेक्ट्स कहा और कहा कि वेदों की ओर लौटो। देखिए जब वेदों की ओर लौटने का बात पे स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं तो इसका अर्थ उत्तर वैदिक काल नहीं, इसका अर्थ है ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है रियली जो है समाज बहुत ही एक आदर्श समाज था, इसलिए इस बात को भी कंफ्यूजन को, लेकिन चूंकि आपसे इतना डेफ नहीं पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक की उत्तर वैदिक, बस इतना पूछता है कि किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो गो टू वेदास, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, सॉरी स्त्री को भी जो है योगोपवीत का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, शूद्र को भी जो है शिक्षा और योगोपवीत पर, योगोपवीत का जनेऊ या उपनयन का अधिकार दिया। इन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, इन्होंने क्या नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सबसे पहले कहने वाले कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि बुरा से बुरा देशी शासन अच्छा है, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से। बात को फिर से समझिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि बुरा से बुरा देशी शासन अच्छा है, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से। उनका कहना था कि जो भारत की देशी शासन है वही होना चाहिए, अंग्रेजों को मार के भगाओ। कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रवाद की कह सकते हैं कि अनुगुंज थी इस कथन में। ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में, इनकी मृत्यु अजमेर में हो जाती है। 1886 ईस्वी में जो है लाला हंसराज ने जो है डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला था लाहौर में, और इसमें सहयोगी कौन थे लाला हंसराज के, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, कहीं ना कहीं क्या पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, वेदों को त्रुटिहीन मानते हुए भी वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। और उन्हीं के जो समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, उन्होंने लाहौर में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का स्थापना किया। 1893 ईस्वी में आज समाजी में फूट पड़ गया, फूट दो मुद्दों पर पड़ा, कि शिक्षा का माध्यम पाश्चात्य हो या भारतीय हो, और दूसरा शाकाहारी बना मांसाहारी, और यही सब मुद्दों को लेकर आज समाज दो भाग में बढ़ गया। और 1902 ईस्वी में जो परंपरागत शिक्षा, जो भारत का आध्यात्मिक शिक्षा है, उसको लेकर 1902 में स्वामी सदानंद और लेख राम और मुंशी राम, स्वामी सदानंद लेख राम और मुंशी राम ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया था। गुरुकुल कांगड़ी जो आज जाइएगा हरिद्वार में, तो हरिद्वार में आपको देखने को मिलेगा गुरुकुल कांगड़ी, वहां परंपरागत वैदिक शिक्षा दिया जाता है, 1902 में स्थापित हुआ था। स्वामी सदानंद ने किया था, लेख राम ने किया था और मुंशी राम ने मिलकर किया था। तो यही है आर्य समाज के बारे में आपका जो मोटा मोटी चीज है। लेकिन हम आर्य समाज के बारे में और भी कुछ आपको पहलुओं से अवगत कराना चाहते हैं। आर्य समाज जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आर्य समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे। विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और साथ में ये जो है पुरोहितवाद का भी विरोध करते थे, पुरोहितवाद का भी विरोध करते थे। पुराण का इन्होंने काफी जमकर आलोचना किया, और ब्राह्मण का जो हिंदू धर्म पर वर्चस्व है उसका भी विरोध किया, ब्राह्मण का हिंदू धर्म पर जो वर्चस्व है उसका भी इन्होंने विरोध किया, ब्राह्मण धर्म का हिंदू धर्म पर जो वर्चस्व है उसका विरोध किया। इन्होंने जो है व्यर्थ का तप, ध्यान, सॉरी जो आडंबर होता है उससे भी धर्म को दूर करना चाहा। स्त्री शिक्षा पर काफी बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया है, मुस्लिम धर्म या कोई भी पारसी धर्म, ईसाई धर्म, उसको फिर से जो है भारतीय
धर्म चला, भारतीय धर्म हिंदू धर्म आने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि जो व्यक्ति अपना हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म चले गए हैं वो जो है फिर से इस धर्म में वापस आ जाए। इसके विरोध में जब स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन चलाया तो मुसलमानों ने तबलीग आंदोलन चला दिया कि जो मुसलमान हिंदू धर्म कन्वर्ट हो गए हैं वो हिंदू पूरा मुस्लिम धर्म में आ जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया इसलिए कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चला गया वो पुनः वापस आ जाए। तो मुसलमानों ने तबलीग आंदोलन चला दिया कि जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में आ गए छोड़ दिए चले गए हैं वो पुनः वापस आ जाए। ये सब चीज़ कालांतर में जो है और कुछ चीज़ों पर जैसे हिंदी पर जोर देने के कारण या धर्म के मुद्दे पर जो है धर्मांतरण के जो मुद्दे पर ये सब के मुद्दे के कारण ये जो है आप कह सकते हैं कि संप्रदायवाद का विकास में इनका असामाजिक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और राष्ट्रीय एकता के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को के वास्तविक आकार का रूप जो देना चाहिए था वो आर्य समाज नहीं दे सके। लेकिन मुझको लगता है कि ये वामपंथी लेखन के शिकार हैं। इन्होंने ऐसी इनका सोच नहीं था कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, इससे राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। सही बात कहें कि भारत में जो हिंदू राष्ट्रवाद का नींव, मैं हिंदू राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं राष्ट्रवाद का ही प्रयोग करूंगा कि राष्ट्रवाद शब्द का नींव आर्य समाज ने डाला था। और ये कहना कि इसे हिंदू राष्ट्रवाद की नींव डाली ये वामपंथी लेखन का शिकार है। तत्कालीन जो समाज था उसमें धर्म जो है बहुत जड़ता से जकड़ चुका था और धर्म ही जो है एकमात्र हथियार था कि उसके माध्यम से सामाजिक सुधार हो सकता था और राष्ट्र के निर्माण हो सकता था। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह काम किया होगा। इन्होंने गौरक्षणी सभा का, जैसे कि पाखंड खंडनी पताका फहराया आगरा में, गौरक्षणी सभा का स्थापना किया गाय की रक्षा करने के लिए। तो ये सब इन्होंने काम कुछ किया था। इससे लगता था कि ये जो है हिंदू संप्रदायवाद की ओर मुड़ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम निष्पक्ष लेखन करें तो इन पर जो संप्रदायिकता का जो आप कह सकते हैं कि शुरुआत का आरोप लगता है, ये सब गलत साबित होगा। खैर ये सब मुद्दा यहाँ पर नहीं, चूंकि ये क्लास जो है एक तरह से कहिए कि प्रारंभिक परीक्षा को लेके बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम उतना एनालिसिस नहीं करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ और आज समाज आपका समाप्त हो गया। अब जो है हम नए जो समाज या धर्म सुधार संगठन है उसके साथ जो है आपके सामने आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।